वेलकम दोस्तों, एसके क्रिप्टो न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी के एक्स एम्पायर को लेके बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं, अभी भी सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल है कि भाई अगर हम एनएफटी सेंड नहीं करेंगे जो एड्रेस मिलता है तो क्या होगा, उसका भी जवाब आपको इस वीडियो में देंगे। दूसरा सवाल है कि भाई हमारा जो कॉइन है वो हमें 50% रिसीव हुआ है, 50% कॉइन हमें कब रिसीव होगा, वो भी हम आपको यहाँ पे सारे आपके सवालों के जवाब देंगे। तीसरा सवाल है कि भाई इसकी प्राइस क्या रहेगी, तो प्राइस के लिए मैंने आपको बता दिया है, पहले ही मैंने कल आपको कमिटमेंट की थी कि प्राइस यहाँ पे जो रहेगा इसका वो 0.3x02 से लेके 5.7 के बीच में रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपका सवाल है और भी बहुत सारे आपके सवाल है, तो सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, सवाल था कि लिस्टिंग का टाइम क्या है, तो देखिए लिस्टिंग का टाइम यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। अपने इंडिया का अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, यूटीसी, लंदन, प्रांगो, किबिया, मॉस्को, तेहरान, दुबई एंड ओरेनबर्ग, उसके बाद दिल्ली। ये जो दिल्ली का ऑप्शन आता है ना आपके पास, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिल्ली ये वाला, तो यहाँ पे 17:30, 17:30 का मतलब है यानी कि 5:30 बजे शाम को। अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब 4:13 हो रहा है, ये वीडियो करीब 5 बजे तक आपको मिल जाएगा और आधे घंटे के बाद लिस्टिंग हो जाएगी। अब बाकी का जो 50% टोकन है वो कैसे क्लेम करना वो भी आपको बता रहा हूँ। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया मस्ट ज्वाइन करो, आपको सबसे पहले अपडेट टेलीग्राम पे मिलता है। अगर आपको कोई भी कॉइन सेल करना है तो आप सेल कर सकते हैं, देखिए पेमेंट्स आपको इस तरीके से मिल जाती है। ये देखिए अभी अभी यूजर ने कॉइन सेल किया है, कोई भी लिस्टेड कॉइन आप हमारे पास सेल कर सकते हैं, यूपीआई के द्वारा आपको पेमेंट्स मिल जाती है, लेकिन आप बाई नहीं कर सकते। पहले मैं सेल भी करता था, लेकिन अब मैंने बाई वाला काम बंद कर दिया, मैं खुद खुद बाई करता हूँ, आप मुझसे बाई नहीं कर सकते, सिर्फ आप मुझे सेल कर सकते हैं, उसके बदले आपको पेमेंट्स मिल जाएगी। ठीक है, और भी बहुत सारे, जब नोट कॉइन लॉन्च हुआ था तब तो बहुत बड़ा बड़ा पेमेंट्स गया हुआ था, ये सभी जानते पुरानी न्यूज है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जो एक्स एम्पायर है उस पर क्या क्या जो आपके सवाल है, सारे सवालों का आपके जवाब देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अच्छे से कमेंट करना, कोई भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते। देखिए देखो दोस्तों, जैसे कि हम एक्स एम्पायर में आ जाते हैं, अब देखिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन निकल के आया है, वी आर करंटली मेकिंग स्नैपशॉट ऑफ डाटा टू मेक ऑन चेन द सर्वर मिनट, ट्राई अगेन लेटर। अब यहाँ पे ये सर्वर यहाँ पे डाउन कर दिए गए हैं, लेकिन उसके पहले मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के रखा, टेंशन नहीं है, मैं आपको सारा कुछ समझाने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन इसको मैं एक बार और ट्राई करके देख। अब अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी डाटा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको कोई भी डाटा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आखिरकार करना कैसे वो भी मैं आपको बता दू। देखिए अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, पहले फेस और दूसरे फेस का जो भी कॉइन है वो टोटल आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या बोला आपसे कि आप एक्सचेंज में विड्रा कर सकते हैं, हमने जिस भी एक्सचेंज में विड्रा लगाया हुआ था उसके बाद इन्होंने फेल्ड कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर जितना भी कॉइन हमने एक्सचेंज में विड्रा लगाया हुआ था वो हमारा एक्सचेंज में हमें रिसीव हो चुका है। ठीक है, पहली बात रिसीव हो चुका है वो मैं आपको दिखाऊंगा, फिर उसके बाद एनएफटी वाला कब रिसीव होगा वो भी बताऊंगा। आपने जिस भी एक्सचेंज में लगाया, जैसे कि मैंने बिटगेट में लगाया हुआ था, तो बिटगेट में आएंगे और यहाँ पे स्पॉट वाले में देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए 54,880 टोकन एक्स वाले हमें रिसीव हो चुके हैं, आज के आज रिसीव हुए हैं। लेकिन ये कौन से टोकन रिसीव हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 54,880, ठीक है, सेंड टू बिटगेट, ये मेरा एड्रेस था, ये देखिए सेंड टू बिटगेट यूआईडी और ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला कॉइन तो हमें रिसीव हो गया है, लेकिन जो एनएफटी हमने सेंड किया है उस एड्रेस पे, जो एड्रेस इन्होंने दिया था वो वाला 69,000 कॉइन कब सेंड होगा, ये देखिए 69,000 कॉइन है और यहाँ पे लिखा है वन कन्वर्ट एनएफटी ऑन चेन ओनली, यानी कि आपने एक एनएफटी, मेरे पास एक ही थी, तो एक एनएफटी आपने कन्वर्ट की है, लेकिन उसको आप क्लेम कैसे कर सकते हैं ऑन चेन। अब ऑन चेन कैसे क्लेम करेंगे, ऑन चेन क्लेम करने के लिए यहाँ जो नीचे आपको ऑप्शन दिखता ना, यहीं पे आपको एक ऑन चेन क्लेम करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो वहां पर आपको वही वाला वैलेट कनेक्ट करना है, कौन सा, जिस वैलेट से आपने एनएफटी इनको सेंड की थी वही वाला वैलेट तो आपका ऑलरेडी कनेक्ट होगा पहले से ही, क्योंकि आपने एनएफटी सेंड की थी, नहीं है तो आप अब कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अब कनेक्ट करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है, अब यहाँ पर निकल के आ रहा है वी आर करेंटली मेकिंग द स्नैपशॉट ऑफ डाटा टू ऑन चेन एयर ड्रॉप, इट कोल्ड टेक सर्वरल मिनट, ट्राई अगेन लेटर। यानी कि अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आने वाला है, तो यहाँ पे वो ऑप्शन आने वाला है, यहाँ पे आपको नीचे लिखा होगा ऑन चेन कनेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना वैलेट कनेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा, वही वाला जो आपने एनएफटी सेंड किया था,
वही वाला वैलेट जब आप यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो फिर उसके बाद में आपका जो 69,000 टोकन है, कौन सा वाला 69,000 है, ये वाला जो आपका 69,000 टोकन है वो आपका यहाँ से 69,000 को आपको क्लेम करना पड़ेगा। कैसे क्लेम करेंगे, आपको क्लेम करना पड़ेगा यहीं पे, और उसमें आपकी जो गैस फीस भी लगने वाली है वो 0.1 टोन आपकी गैस फीस लग जाएगी। ठीक है, तो आपके वैलेट में टोन भी होना चाहिए। तो लगभग मैं ये वीडियो आपको इसलिए यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि अभी भी आपके पास 35 मिनट का टाइम बचा होगा, जब ये वीडियो आपको मिल जाएगा उसके बाद भी लिस्टिंग का टाइम से पहले आपके पास टाइम है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आप आज क्लेम नहीं करना चाहते हैं तो 31 तारीख तक लास्ट डेट है, तब तक आप आराम से क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा सवाल आता है कि भाई हम अगर ये वाला NFT सेंड ना करें तो क्या होगा, उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, अगर आप NFT सेंड आज नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो टोन कीपर वैलेट है उसमें आपको पड़ा रहेगा। लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 तारीख है, 31 तारीख तक आपको इनके एड्रेस पे NFT को सेंड करना ही पड़ेगा। अगर बल्कि 31 को नहीं, 31 से पहले ही आप कर दो, 2 दिन पहले, क्योंकि टोकन रिसीव होने में 24 घंटे का टाइम लगता है। तो लगभग 30 तारीख तक अगर आपने अपने NFT को इनके एड्रेस पे सेंड नहीं किया तो फिर वो जो आपका NFT है वो बेकार हो जाएगा, उसको आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो अपना नुकसान करने से अच्छा है कि NFT को सेंड कर दो और NFT के बदले आपको जो टोकन है वो आपके वैलेट में मिल जाएंगे। लेकिन मिलेंगे कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको ऑन चेन क्लेम करना ही पड़ेगा। ऑन चेन क्लेम करोगे तो आधे टोकन जो है आपके, ये वाले जो आपने NFT को छोड़ के बाकी के जो टोकन थे वो आपको एक्सचेंज में, जैसे कि बायबिट हो गया, बिटगेट हो गया, और भी जिस जिस एक्सचेंज में, गेटआईओ वगैरह, जिस जिस में भी आपने विड्रा लगाया है उसमें आपको आधे जो टोकन है वो आपको रिसीव हो गए होंगे। लेकिन जो NFT वाले, मान के चलिए आपके पास 10 वाउचर हैं, तो 10 वाउचर आपने उनको सेंड कर दिए होंगे, तो 10 वाउचर सेंड करने के बाद अब एक एक जो वाउचर का टोकन बनता है वो 69,000 बनता है, तो 10 का हो गया 6,90,000 टोकन। तो उन टोकन को आपको क्लेम करना पड़ेगा ऑन चेन, अपने आप आपके वैलेट में नहीं आएगा, नहीं तो आप समझ रहे हैं कि आप बैठे रहेंगे आपके वैलेट में आ जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको खुद ऑन चेन क्लेम करना पड़ेगा। और ऑन चेन क्लेम करने का जो टाइम है वो आज शाम को 5:30 बजे, यानी कि जैसे ही 5:30 बजे लिस्टिंग होती है उसके 5-10 मिनट के बाद में यहाँ पर आपको ऑन चेन क्लेम करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है VN करेंटली मेक द स्नैपशॉट ऑफ द डाटा टू मेक ऑन चेन एयर ड्रॉप, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है ऑन चेन एयर ड्रॉप, यानी कि ऑन चेन का जो क्लेम वाला फीचर है वो बहुत ही जल्द आने वाला है यहाँ पे 30 मिनट के बाद। ठीक है, तो आप लोग वेट कीजिए, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझा दी होंगी और समझ में भी आई होंगी। अगर और भी कुछ मिस्टेक है या मुझसे कोई मिस्टेक हुई है तो आप मुझे सवाल कर सकते हैं, आपका जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।